आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में एससी कल्याण मंत्री संतोष सुमन के मंत्री पद से इस्तीफा के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। संतोष के इस्तीफे के बाद भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का इस्तीफा इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है, विपक्षी एकता के लिए 23 तारीख को पटना में बैठक का आयोजन किया गया है। उसके पहले सहयोगी दलों की नाराजगी और छोड़ना यह बात बताता है कि आने वाले समय में विपक्षी एकता पूरी तरह से विफल हो जाएगी। जब एक राज्य के अंदर में गठबंधन को सही नहीं रखा जा सकता है तो पूरे देश में महागठबंधन की विपक्षी एकता को बात पूरी तरह से बेमानी है। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी का इस्तीफा इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है और विपक्षी एकता के लिए 23 तारीख को बिहार के पटना में ही बैठक आहूत की गई है और उसके पहले सहयोगी दलों का नाराजगी और छोड़ना यह बताता है कि आने वाले समय में विपक्षी एकता ये पूरी तरह से विफल हो जाएगी। जब एक राज्य के अंदर में गठबंधन को सही नहीं रखा जा सकता है तब पूरे देश में महागठबंधन की या विपक्षी एकता की बात ये पूरी तरह से बेमानी है। देखिए, महागठबंधन का हाल यही हुआ है कि सब बिछड़े बारी बारी। आज जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उन पे, उस पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं 23 तारीख को, विपक्षी दल को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ खुद जो उनके साथ एक मजबूत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी उनके साथ जुड़ी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, उसने साथ छोड़ दिया। तो बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। कोई कितनी कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी, नीतीश जी अब तन्हा तन्हा रह गए, बाकी सब उनको छोड़कर जाने वाले हैं। और बिहार की जनता ने भी महागठबंधन को पूरी तरह छोड़ दिया है। लोकसभा के चुनाव में इसका पता लगेगा। आज संतोष मांझी का इस्तीफा यह साफ संकेत है कि महागठबंधन में भारी दरार है।